हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि मंडे का जो मार्केट रहेगा उसका क्या मोमेंटम रहेगा एंड कैसे मार्केट रन होने वाला है। ठीक है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा जाके देखिएगा। मैंने गोल्ड का प्रॉपर एक सेटअप बताया था, यूरो यूएसडी का भी एक सेटअप बताया था जो कि प्रॉपर वीकली मार्केट पे रन हुआ है। ठीक है, और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है, तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पे यूरो यूएसडी का देखते हैं, गोल्ड का भी अपन देखेंगे। तो लास्ट वीक का जो मार्केट रहा था उसको समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले लास्ट वीक का जो मार्केट है करंटली, ये सिनेरियो मार्केट का रहा था कुछ यहाँ तक, राइट। अब इसमें आप ये देखिए कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने किया क्या है। आखिरकार बड़े टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं तो मार्केट ने ये एक पॉइंट अपना हाई लगाया। ठीक है, ये हाई लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया कि हाई लगाने के बाद मार्केट ने रिसेंट वाला लो भी लिया। ठीक है, आप रिसेंट वाला लो इसको भी कह सकते हो जो कि वैलिड पुल बैक काउंट किया जाता है। इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है किसको लेना चाहते हो। ठीक है, बट इसमें कुछ स्ट्रक्चर मेरा 4 आवर के टाइम से 4 आवर टाइम फ्रेम पे डिसाइड किया गया है, कुछ मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम पे डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे वेरी करेगा, उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके इसमें दिखाऊंगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रजिस्ट्रेंस लिया। आफ्टर दैट यहाँ पे रजिस्ट्रेंस एंड ये सपोर्ट SNR लेवल बना कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया ड्रॉ किया हुआ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, जिसको मार्केट लेने आया था। अब ये जो वाली विक है इसको आप लिक्विडिटी कह सकते हैं, या आप इसको कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक ये लिक्विडिटी एरिया है, आप इसमें ट्रेड लेना चाहें इसमें भी ट्रेड आप ले सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आपको लिक्विडिटी बेस पे एंट्री लेना आता है देन ग्रेट, आप अच्छी खासी एंट्री वगैरह प्लान कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, अब इसमें अपन कुछ चीजों को लेकर डिस्कशन करते हैं और उन चीजों को समझते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही यहां से मोमेंटम दिया यहां तक मार्केट गया। ठीक है, लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक कैसे मोमेंटम होगा लास्ट वीक डिसाइड करेगा वो। ठीक है, तो यहां तक का मार्केट का मोमेंटम था। अब देखिए यहां तक मार्केट का मोमेंटम कुछ इस तरीके से, ये हाई रहा, ये मार्केट ने करेक्शन किया। सेम मार्केट का ये हाई रहा, ये मार्केट ने करेक्शन किया, तो इस हिसाब से तो मार्केट को वापस बाई जाना चाहिए। ठीक है, अगेन मंडे को। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज, अब हमने जो एंट्री ली थी, मैंने पूरे वीक के अंदर इस बार सिर्फ एक एंट्री ली थी और वो भी सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं कि लॉस था। यहां से मैंने 45 सेंट की लोट की एंट्री ली थी और यहां तक अप्रोक्सीमेटली मैंने एंट्री ली थी जो कि मेरा $150 के करीब अप्रोक्स प्रॉफिट बना था। वो भी मैंने ग्रुप में शेयर किया, आप जाके देख सकते हैं। ये प्रॉपर एंट्री भी मैंने दी थी। ठीक है, और सभी को बताई भी थी इस एंट्री के बारे में, मैंने कैसे लेना है क्या लेना है। अब आगे देखिए, यहां तक तो मार्केट समझ में आ गया। अब यहां पे क्या, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ये भी है, आप इसको भी जज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। दूसरी चीज, यहां पे ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल्स आ गई, तो इसको अगर आप कुछ इस तरीके से प्रॉपर डिजाइन करेंगे तो ये आपका एक ऐसा एरिया निकल के आता है जो आपका यहाँ पे BBB में काम करेगा। अब BBB क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो लास्ट मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने इनकी डिटेल्स डाली हुई है। तो यहाँ पे BBB काम करेगा। अब मंडे को जो मेरा प्लान रहेगा वो कुछ इस तरीके से प्लान रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा मंडे का फर्स्ट प्लान है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट प्लान है मंडे का। अब सपोज करिए यहाँ पे आपका मार्केट जो है प्रॉपर तरीके से सस्टेन नहीं कर पाता है, नीचे गिर जाता है। सपोज करिए मार्केट क्या करता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोमेंटम देता है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना रहेगा, जैसे ही आप इस चीज पे फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से गिरे, ठीक है, तो आपको यहाँ तक वेट करना है। सेकंड, आपको वेट करना रहेगा यहाँ तक, इस लेवल तक आप वेट करना। अगर इसके बीच में आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, ये लास्ट बाइंग कंफर्मेशन है मेरा बस। ठीक है, ये लास्ट बाइंग कंफर्मेशन है, या तो आप यहां से बाइंग ले सकते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट से बाइंग नहीं लेना चाहते तो एंड देन ये लास्ट लिक्विडिटी पॉइंट है। ये तीन पॉइंट बाइंग के है,
तीनों पे अच्छा सा सबसे पहले आपको एंट्री सेटअप देखना है, समझना है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट कैसे जाना चाहता है। ये तीन एंट्री सेटअप है जहां से आप बाइंग लेंगे। आफ्टर दैट अगर आपको कोई भी सेटअप नहीं मिलता है, इसको मार्केट ब्रेक कर देता है, देन आपको फिर यहां तक फर्स्ट टीपी अपना रखना है फॉर सेल साइड में, यहां तक आपका टीपी रहेगा फिर। और ये एंट्री कैसे लेनी है ये भी बता देता हूँ। जब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा, डायरेक्टली कैंडल ब्रेक करके इतना नीचे आएगा, वापस मार्केट यहाँ रिटेस्ट के लिए जाएगा, देन आपको तब सेल करना है, ठीक है। अब सपोज करिए मार्केट यहाँ पे आ तो गया, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट यहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके वापस ऊपर चले गया, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं बाई साइड के लिए। गया अगर इसको ब्रेक करता है, देन आपका जो नेक्स्ट मोमेंटम होगा वो इस लेवल तक होना चाहिए, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ जोन होगा, यहाँ तक आप सेल को कैप्चर कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है तो सपोज करिए पूरा वीक यहाँ तक आएगा मार्केट, फिर मार्केट यहाँ पर नहीं रुकेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया यूरो यूएसडी का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से फॉर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब चलते हैं गोल्ड पे, गोल्ड का क्या सिनेरियो है आखिरकार। तो लास्ट वीक के जो मेरे एनालिसिस रहे थे वो गोल्ड के कुछ ही ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, जहाँ पे मार्केट ने रेस्पेक्ट ही नहीं दिया अभी तक, ठीक है। एक मेरा जो लेवल था ये वाला मेरा लेवल हिट हुआ और करंटली मार्केट यहाँ तक आया नहीं है, अभी तक यहाँ तक ही पहुँचा है। तो यहाँ से एक बाइंग अगेन अपन देख सकते हैं इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल तक अपन बाइंग देखेंगे, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, सपोज करिए मार्केट क्या करता है, इस लेवल को कुछ इस तरीके से ब्रेक करता है लाइक दैट, रीटेस्ट करेगा, यहाँ तक आपको सेल मारना है, ठीक है। सेल मारने के बाद अगेन आपको इस लेवल से बाइंग करना है, ठीक है। मैं इसको सबको हटा के एक बार दिखा देता हूँ आपको, सारी चीज़ों को ड्रॉ करके मैं प्रॉपर समझाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहली चीज़, ये 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो एक जोन निकल के आ रहा है, ये बहुत प्रेस्टीजियस जोन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम आया है, बार बार रीटेस्ट किया है, सारी चीज़ें मार्केट ने की है, तो ये बहुत हाई लेवल वाला जोन है। तो मेरा जो कंसीडरेशन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, या तो आपका ये कुछ इस तरीके से बाइंग जोन रहेगा यहाँ तक, अगर ये आप नहीं रखते हैं तो देन आप क्या करना, इसको बाइंग जोन बनाना अपना। अगर देन ये भी आपका पॉसिबल नहीं होता है बाइंग जोन, देन आपको फिर सेलिंग में बैठना इस लेवल तक, ये आपका सेलिंग जोन रहेगा फिर, ठीक है। बट करंटली मार्केट के बहुत हाई टाइम फ्रेम पे है, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है बाइंग में रहेगी। और लास्ट जो है इसका ये वाला एरिया है, ये है चोच, यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, कई लोग इसको चैरेक्टर भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसा कोई इश्यू नहीं, आप कुछ भी बोल सकते, बस आपको ट्रेड मारनी आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो जो लास्ट वाला एरिया है, यही वाला जितना मुझे बाइंग लग रहा है सबसे बेस्ट एरिया यही है। अगर इस तक आएगा मार्केट तो देन डेफिनेटली इसकी लिक्विडिटी लेके जाएगा, मैं आपको अभी ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मार्केट इसकी लिक्विडिटी लिए बिना नहीं जाएगा, तो लिक्विडिटी का जो जोन है पूरा का पूरा ये वाला जोन है, ये लिक्विडिटी मार्केट डेफिनेटली लेगा, मैं इसकी आपको 100% अश्योरेंस देता हूँ, अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो, ठीक है। नहीं आया तो वो एक अलग चीज़ है, अगर आएगा तो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए मार्केट लेगा ही लेगा, अभी मार्केट ओपन भी नहीं हुआ उससे पहले बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है चीज़। उसके बाद अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे ही मार्केट क्या करता है कि यहाँ से डाउन आता है या अप लेता है, तो आपका एक लेवल निकल के आ रहा है ये वाला लेवल, ठीक है। इस लेवल को आपने क्या करना है, बाइंग करने का वेट करना है, यानी कि यहाँ से ब्रेक करते ही बाइंग का वेट करना है आपको। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा डायरेक्टली ओपन द मंडे, यानी कि जैसे ही मार्केट मंडे को ओपन हुआ इसको ब्रेक करेगा, तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का सहारा लेना है एंड एंट्री प्लान करनी है। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक अगर नीचे होता है तो आप थोड़ा सा नीचे रखना है यहाँ पे। देखो जब भी मार्केट आपको रीटेस्ट करने आता है, तो जो आपने रीटेस्ट का जोन ड्रॉ किया हुआ है, कभी भी उस पर एंट्री मत लेना, या तो ऊपर लेना या नीचे लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे एंट्री आपको लेना है, उस पर एंट्री नहीं लेना होता है, ठीक है। या तो मार्केट आपको यहाँ से जाएगा या फिर यहाँ आएगा, दो ही सिनेरियो होते हैं। बीच में कभी मार्केट नहीं आके गया ऑन पॉइंट पे, ठीक है, वो ट्रैप करता है, या तो यहाँ तक ट्रैप करेगा या यहीं से ट्रैप करेगा। अगर यहाँ से करके जा रहा है तो वेल एंड गुड है, काफ़ी लोगों ने एंट्री छोड़ दी, यहाँ से गया तो लोगों के ऐसे लौटाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है और प्रॉपर तरीके से समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं जीबीपी की, जीबीपी का क्या सिनेरियो चल रहा है। ऑलरेडी जीबीपी की मैंने एंट्रीज दी हुई थी, अभी तक वो हिट नहीं हुई है एंट्री लास्ट वीक की,
अभी तक मार्केट जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था वहीं पे चल ही रहा है। ठीक है, तो जीबीपी का जो सिनेरियो रहेगा 4 आवर पे देखते हैं क्या रहता है। ऑलरेडी जो एंट्री दी है उसका ध्यान रखना, अच्छी खासी एंट्री है, जीबीपी करंटली रनिंग में है। ठीक है, जीबीपी का मैंने बताया था यहाँ पे मार्केट था कुछ इस तरीके से आएगा, बट मार्केट क्या हुआ, पूरा रेस्पेक्ट नहीं दिया, ये अपने एक ऐसे एरिया से वापिस चले गया जिसको आप क्या कह सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप, जो कि ऑलरेडी बताया हुआ था, यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे, तो ये आपका एफवीजी हो गया। ठीक है, एफवीजी से क्या हुआ, मार्केट वापस रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद इसने यहाँ पे क्या किया, रिसेंट वाला पॉइंट आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद ये इंटरनल में चौक हो गया, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अभी तक चौक कंफर्म नहीं किया, सिर्फ लिक्विडिटी ली है। तो आपका जो पॉसिबल सिनेरियोज है, जो ये मैंने एंट्री बताई थी लास्ट वीक वाली, ये ऑलरेडी मार्केट ने इतना तो ट्रिगर कर दिया, ठीक है, यहां से ना करके यहां से ट्रिगर तो कर दिया। अब देखो नेक्स्ट वीक का सिनेरियो इस पे कैसे बनेगा, तो नेक्स्ट वीक का जो सिनेरियो है, या तो यहां से बाइंग रहेगा, ठीक है, या कुछ इस तरीके से बाइंग रहेगा इसका। ठीक है, ये दो पॉइंट है, दो लेवल है जहां से बाइंग रहने का, डीएक्सवाई का, ठीक है, सॉरी यूए जीपीपी यूज्ड इन डीएक्सवाई का, डीएक्सवाई का यहां से बाइंग एरिया बन सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां से बाइंग एरिया नहीं बनेगा। रीजन रीजन ये, क्योंकि मार्केट जिस कंडीशन पे भी चल रहा है, ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम की एक ऐसा एरिया बना हुआ है जहां पे मार्केट बॉटम पकड़ रखा है अभी, यानी कि डाउन ट्रेंड की तरफ चलता हुआ जा रहा है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको गिरने का वेट करना है, ठीक है, और ये यहां तक डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है देन आपको वेट करना है डीएक्सवाई में, यहां तक ये एक एरिया निकल के आता है इस तक, एंड देन इसको ब्रेक करने के बाद फाइनल एरिया अपना ये रहेगा, इस एरिया तक आपको वेट करना है। अगर ये एरिया ब्रेक होगा देन तभी पॉसिबिलिटी है कि अपन अच्छे से ट्रेड मार पाएंगे इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा जीबीपी यूएसडी की। ठीक है, जीबीपी यूएसडी का सेटअप ऑलरेडी मैंने आपको बताए रखा है, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे जीबीपी यूएसडी बाइंग लेवल पे और अच्छे सपोर्ट पे है। तो जीबीपी यूएसडी का जो रहेगा मेरा कुछ इस तरीके से स्नेरियो रहने वाला है इसका, ये मंडे का लेवल है, सिर्फ इतना ही है इसका, एंड देन ब्रेक कर देता है तो लास्ट वाला पॉइंट यही होगा इसका, अभी तक इतना ही है। जीबीपी में कोई इतना कंफ्यूजन या मार्केट ने कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हुआ है, सिर्फ दो ही स्नेरियो, यहाँ से बाइंग लेवल और यहाँ से सेलिंग लेवल। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर सेलिंग को ब्रेक कर देता है मार्केट इस लेवल को भी, देन आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ द बाइंग ये वाला रहेगा, यहाँ यहाँ तक आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप टेलीग्राम पे आइए, ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।